नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। झारखंड प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत बेडोडीह है, जहां से लोकप्रिय युवा मुखिया प्रत्याशी दिगंबर राय भी जनता की अदालत में है। पूर्व के पंचायत चुनाव में दिगंबर राय मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में थे, लेकिन कुछ वोटों के अंतराल से सफलता नहीं मिल पाई। इसके बावजूद भी 5 साल उन्होंने अपनी भागीदारी जनता के बीच कायम रखी। इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में हैं। पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन, नौजवान साथियों तथा अभिभावक दल, मतदाता, मालिकों का सहयोग, आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। पूरे झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी चुनाव लड़ने वाले भावी प्रत्याशी लगातार अपने अपने जनता के बीच अपना भागीदारी सुनिश्चित करना शुरू कर दिए हैं। आज हम लोग देवरी प्रखंड के बेडोडी पंचायत पहुंचे हैं, जहां से एक युवा मुखिया प्रत्याशी दिगंबर राय लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और जनता से इनका अपील क्या रहेगा। दिगंबर जी, पंचायत चुनाव बहुत करीब है, आप भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में हैं, क्या चुनावी मुद्दा है इस बार? चुनावों में बेडोडी पंचायत के सभी जनता से अपील करता हूं कि आगामी 2023 में जो मैं मुखिया बन के उभर के आऊं, तो मैं पूरे बेडोडी का चौमुखी विकास के लिए तत्पर तैयार हूं। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे पुल की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, जो आवास में लोगों ने जो लेन देन की कार्य किया, उसके लिए मैं 10 साल से उनके पीछे हूँ। आगामी 10 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि बेडोडी पंचायत में जो भी मुखिया बन के आए 10 साल के दरमियान में, वो लोगों को लूटने का काम किया। मैं दिगंबर राय आज शपथ करता हूँ बेडोडी पंचायत के सामने, बेडोडी जनता के सामने, माताओं के सामने, बहनों के, युवा साथियों के सामने, कि आगामी अगर 2021 में दिगंबर राय जी को बहुमत वोट दे के, आशीर्वाद दे के बेडोडी पंचायत का मुखिया बनाते हैं, तो मैं आगामी 5 साल तक बिना स्वार्थ का। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।